Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow.
So welcome guys for match number 2 of Night Owl Tournament Squad match. And यहाँ पे मैं आपको फटाफट एंट्री फी और प्राइजेस बता देता हूँ. तो यहाँ पे हमारी एंट्री फी पर स्क्वाड इज 260 रुपीज़. एंड फर्स्ट रैंक को मिलते हैं यहाँ पे 2500 रुपीज़. सेकेंड रैंक को मिलते हैं 1200 रुपीज़. थर्ड रैंक को मिलते हैं 700 रुपीज़. एंड फोर्थ रैंक को मिलते हैं 400 रुपीज़. एंड यहाँ पे हमारी फिफ्थ रैंक को मिलते हैं 300 रुपीज़. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है ये. एंड यहाँ पे आज हमारा सेकेंड मैच का जा रहा है फ्लाइट पाथ स्टॉलबर से लेके फेरी पियर तक. एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा आइलैंड कवर कर रहा है हमारा ये. एंड मोस्ट ऑफ ये जार की शूटिंग रेंज एंड जॉर्जोपो थोड़ा सा दूर पड़ने वाला है. बाकी आई थिंक सब कुछ अचीवेबल है यहाँ पे. एंड इजीली सीधा डायरेक्टली पैराशूट से पहुँच सकते हैं. एंड गाड़ी की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम द पूरा लेफ्ट साइड वाला एरिया एंड नोवो रेपनोए. तो लेट्स सी यहाँ पे कौन गाड़ियाँ लेके जाने वाले हैं. बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं हमारे लेट ड्रॉप्स पे एंड फार ड्रॉप्स पे. अभी गुप्ता बेस्ट ऑफ लक टीम 17. तो यहाँ पे टीम 17 को हमारी अभी गुप्ता कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक. देखते हैं कितना लक जो दिया है अभी गुप्ता ने इनके लिए काम करने वाला है. तो ये टीम हमारी है अभी लिपोवका के पास ले कंपाउंड्स में. तो इन्होंने छोटे छोटे कंपाउंड्स लूटने का सोचा है. एंड यहाँ पे टीम 17 के बाकी दो बंदे गाड़ी लेकर कंपाउंड्स लूटने जा रहे हैं. एंड आई थिंक वो लिपोवका एम कर रहे हैं. एंड ये लिपोवका कोई भी नहीं है. तो इट विल बी प्रीटी इजी फॉर टीम नंबर 17 फॉर लूट. वो अपनी टीम को कॉल दे सकते हैं कि येस इट्स क्लियर, आप आ सकते हो एंड लूट कर सकते हो. एंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारा फर्स्ट नॉक ऑफ द गेम, फर्स्ट ब्लड. एंड यहाँ पे अगेन रैंडम फायर्स. तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टीम्स फाइनली देखने को मिल रही है मिलिट्री बेस में, जो अभी तक बहुत दिन से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. यहाँ पे हमें कभी ज़्यादा टीम्स देखने को नहीं मिली. यहाँ पे टीम नंबर 6 है, टीम नंबर 93 है, टीम नंबर 1 है. यहाँ पे टीम नंबर 6 का बंदा नॉक हो चुका है ऑलरेडी एंड फिनिश ऑफ भी हो गया बाई टीम नंबर 1 वॉरियर. एंड ऊपर से स्नाइपिंग हेड आ रहे हैं. लेट्स सी अगर यहाँ पे लोन वॉरियर समझ पाएंगे ऊपर से कोई आ रहा है एंड उनको साउंड आ पाएगा. तो गाइस जो भी आ रहे हैं स्ट्रीम पे प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन एज वेल फॉर द वीडियो. एंड यहाँ पे स्नाइपिंग ऑर्डर से मैं कह रहा था उन्होंने एनरूट आदि को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया यहाँ पे. ओके सो स्नाइपर गॉड है इनकी टीम में और टीम नंबर 6 में है स्नाइपर स्नाइपिंग हेड. तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा स्नाइपर जीतने वाला है एंड कौन स्नाइप करने वाला है. और टीम नंबर 6 का एक बंदा बहुत ज़्यादा दूर है और टीम नंबर 23 भी यहाँ पे इजी लूट कर रही है यहाँ पे सी बिल्डिंग में. एंड तीनों बिल्डिंग्स में उनका एक एक बंदा है एंड इनके चार के चार बंदे अभी भी जिंदा हैं. और यहाँ पे टीम नंबर 6 ने अर्ली कैजुअलिटीज ऑलरेडी ले ली एंड दो बंदे इनके नॉक एंड फिनिश ऑफ हो चुके हैं. भास्कर पटेल बी आर के एल, संचित अग्रवाल श्रेय खेल रहा है. नो ब्रो श्रेय भाई नहीं खेल रहे, श्रेय भाई सो रहे हैं अभी. मैं सिर्फ कमेंटेट कर रहा हूँ नाइट ऑल टूर्नामेंट्स के मैचेस. 2 मिनट्स का स्ट्रीम डिले है गाइस. जो भी नया स्ट्रीम पे आ रहा है तो ये स्ट्रीम स्नाइपिंग से बचने के लिए निंजा टेक्निक लगाई है स्ट्रीम डिले की. तो आपको जो भी पूछते हैं आप जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब आपको 2 मिनट के बाद सुनने मिलेगा. और यहाँ पे स्नाइपिंग हेड ने मिस्टर स्नाइपर गॉड को दिया हेडशॉट. तो प्रीटी इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्नाइपिंग हेड दे रहे हैं स्नाइपर गॉड को हेडशॉट. और यहाँ पे किलर ने एक और बार नॉक कर दिया है स्नाइपर गॉड को. तो यहाँ पे स्नाइपर गॉड का दिन अच्छा नहीं जा रहा ज़्यादा. अभी नॉक होके खड़े ही हुए थे दोबारा एक नॉक देखने को मिला हमें.
लेट्स मूव ऑन समवेयर एल्स. अभी यहाँ पे शॉट्स फायर हो रहे थे बट अब नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे नोवो रेप में हमारी सिर्फ टीम नंबर 20 हमें मिल्टा एंड मिल्टा पावर पे कोई भी नहीं गया. स्ट्रेंज फार्म के भी अभी हमें कोई नहीं दिख रहा. एंड जोन के बाहर काफ़ी टीम्स गई है, जैसे कि मैं कह रहा था लेफ्ट साइड पे गाड़ी लेकर काफ़ी टीम्स गई हैं यहाँ पे, बट अब सब वो जोन के बाहर है तो फर्स्ट जोन इतना डैमेजिंग नहीं होता तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए. एंड स्नाइपिंग हेड के ऊपर एम लगा के रखो एंड उनको नीचे नहीं उतरने दे रहे. एंड कॉन्स्टेंटली शॉट्स फायर हो रहे हैं स्नाइपिंग गॉड पे. अभी गुप्ता टीम 17 यस भाई, जैसे ही टीम 17 किसी से फाइट नहीं हो रही तो मैं आपको टीम 17 के पास ले चलूँगा. अर्जुन पटेल टीम 18 यस ब्रो, मैं सारी टीम्स दिखाऊंगा जब भी कोई फाइट नहीं हो रही होगी तो आप टेंशन मत लो. अर्जुन पटेल अभी गुप्ता की दोनों की टीम्स को मैं दिखाऊंगा यार. ओके तो यहाँ पे पहले ही अर्जुन पटेल ने कॉन्ग्रेचुलेशन डिक्लेयर कर दिया टीम नंबर 18 के लिए, तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे टीम नंबर 18 टॉप 5 पोजीशन लेके जाने वाली है और हमारा कैश प्राइज लेके जाने वाली है. जो भी गाइस नहीं आ रहे स्ट्रीम पे, दिस इज नाइट ऑल टूर्नामेंट्स स्क्वाड मैच नंबर 2. तो यहाँ पे हर रोज हमारे नाइट ऑल टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं एंड डेली 3 मैचेस होते हैं हमारे. फर्स्ट होता है स्क्वाड मैच 8 PM, सेकंड होता है हमारा 9:15 पे एक और स्क्वाड मैच, एंड उसके बाद हमारा लास्ट रहता है एक डुओ मैच. तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आपको कोई भी इनमें से ज्वाइन करना है, आप जा सकते हो हमारे नाइट ऑल के इंस्टाग्राम पेज पे एंड वहाँ पे आपको सारी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे. व्हाट इज़ द प्राइज मनी, व्हाट इज़ द फी फॉर ज्वाइनिंग द स्क्वाड, एंड कोई भी आपको क्वेरी है वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज आंसर हो जाएंगे. एंड वहाँ पे नंबर भी दिया होगा जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो अपनी स्क्वाड को. एंड अगर आप डुओ हो और आप अकेले भी हो, आपका एक और मेंबर नहीं है, तो डोंट वरी, आप वहाँ पे जाके नाइट ऑल पे देख सकते हो एंड आप रजिस्टर कर सकते हो. आपको एक और हम प्लेयर के साथ पेयर अप कर देंगे एंड देन यू कैन जॉइन द टूर्नामेंट एंड प्ले द टूर्नामेंट. तो यहाँ पे हमारी डुओ के एंट्री फीस रहती है 100 rupees पर प्लेयर, एंड अगर आप एज अ डुओ देखो तो रहती है हमारी 200 rupees सिंस दो प्लेयर्स हो जाते हैं. तो आप आ सकते हैं अपने डुओज के साथ एंड ज्वाइन कर सकते हैं वो टूर्नामेंट. और यहाँ पे एक और हेड शॉट देखने को मिला, प्रिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा. मैं स्नाइपिंग हेड से एक स्नाइपर शॉट देखने को मिला, उन्होंने एक दो शॉट ज़रूर लगे बट उन्होंने फिर वापस नॉक भी दिया. बहुत ही ज़्यादा प्यारा नॉक था ये. श्योर टीम 18 यस ब्रो, मैं दिखाता हूँ अगर थोड़ा सा फाइट हो रहा है यहाँ पे, अगर जैसे ही थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं होगा मैं ज़रूर मूव इन करूँगा टीम नंबर 17 और आपकी टीम नंबर 18 पे भाई. पास्कर पटेल BRKLD टीम 18 यस ब्रो. और यहाँ पे एक और हेडशॉट दिया था बट उसके लेवल 3 हेलमेट था एंड तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओपी चला रहे हैं. स्मोक के थ्रू ट्राई कर रहे हैं शॉट कनेक्ट करने का बट उनका शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है. एंड यहाँ पे जो इन्होंने दो हेडशॉट दिए बट उनका लेवल 3 हेलमेट था, नहीं नॉक हो पाए. तो यहाँ पे स्नाइपिंग हेड काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं एंड अपनी अकेले रह गए हैं तो पूरे मज़े ले रहे हैं स्नाइपर और एटेक्स का. और यहाँ पे इनके एनरूट खुश ऑलरेडी कहीं दूर जा चुके हैं. लो भाई पहले मैं टीम 17 और 18 दिखा दूँ. ये थी हमारी टीम 17 भाई. लो टीम 17 हमारी लूट कर रही है लिपोव का, बहुत ही प्यारे तरीके से लूट कर रही है टीम 17 लिपोव का को. पूरा चार चार के सामान खाली कर दिया भाई इन लोगों ने, तो उनको लूट की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली. यहाँ पे पूरा लिपोव का इनके पास था. अब चलते हैं टीम नंबर 18 पे BRKL. और भाई स्पेक्टेट करते ही ये कमेंटेटर्स कर्स थोड़ा सा हो जाता है हमेशा ही, तो भाई देख के बोलना जो भी बोले मेरे को टीम दिखाओ. और यहाँ पे टीम नंबर 14 पुश भी कर सकती है यहाँ पे टीम नंबर 18 के ऊपर रंजन टीम 32. मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भाई यहाँ पे टीम नंबर 32 मुझे नहीं दिख रही, तो रंजन भाई भी पूरे मजे लेते हुए चैट के. पटेल अक्सू टीम 18, तो भाई यहाँ पे टीम 18 के आ चुके हैं फैंस और हमारी अभी पूरी लाइव वॉचिंग भी 18 की आ रही है, तो बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे टीम नंबर 18 का. लेट्स सी अगर ये सारी चीज़ें मिलके कुछ हेल्प करते हैं टीम 18 को. और हमारा जोन शिफ्ट ले चुका है टूवर्ड्स दी राइट और हमारा बनने वाला है नेक्स्ट जोन. देखते हैं हमारा नेक्स्ट जोन कहाँ पे शिफ्ट लेने वाला है एंड कैसे टीम्स की रोटेशन हो रही. तो हमारी नीचे से नीचे
मिलिट्री वाले आयरलैंड से काफ़ी टीम्स को भी ऊपर आना है, तो अगर कोई पहले टीम जाके कैंप करती है तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है देखने को। अभी तक हमें ब्रिज कैंप देखने को नहीं मिला है, तो लेट से अगर हमें आज ब्रिज कैंप देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है ब्रिज कैंप। लेट्स सी अगर आज कोई ब्रिज कैंप करेगा एंड किल्स के लिए जाएगा या फिर सेफ खेलेगा एंड वो प्राइज मनी के लिए एम करेगा। तो यहाँ पे फाइनली किलर ने दे दिया स्नाइपिंग हेड को नॉक, तो वो तंग नहीं करने वाले और उनको दोबारा अपने हेड शॉट से एंड्रूड खुश ऑलरेडी बहुत दूर निकल चुके थे। एंड्रूड खुश अब जोन में जा रहे हैं एंड हमारा नेक्स्ट जोन किक इन ऑलरेडी हो चुका है एंड जस्ट बनने ही वाला है। रिंचिन तसिंग, हेलो सर, हेलो रिंचिन भाई, कैसे हो? टीम मीटिंग लाइव करो भाई, इससे ज़्यादा कैसे लाइव करूँ मैं टीम मीटिंग को भाई, बता दो। और यहाँ पे हीरो एक ने अपने ऊपर ही नेट डाल दिया भाई, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे मेरे को लग रहा है ज़िंदगी से, और अपने ऊपर नेट डाल के इन्होंने अपने आप को नॉक कर लिया है। और यहाँ पे निंजा डेड शॉट भी ब्लास्ट हो जाते हैं एंड हो जाते हैं नॉक। चल के हमें टॉक्सिक नहीं होंगे इनका नाम बोल के भाई, जितना मर्जी कोशिश कर लो। निंजा डेड शॉट यहाँ पे नॉक हुए हुए हमारे ओपन में एंड इनका गाड़ी ब्लास्ट हो चुका है, तो यहाँ पे कोर वाला आई थिंक इनको शॉट्स दे रहे थे। लेट्स सी अब इनकी टीम कैसे प्लान करने वाली इनको इवैक्यूएट करने का यहाँ से। इनका निंजा पीयूष ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुका है यहाँ पे निंजा डेड शॉट, तो यहाँ पे निंजा टीम के लिए काफ़ी दिक्कतें बढ़ती हुई। और हमारा जोन बना थोड़ा सा मिडिल में और भाई बस दो जोन्स की देरी और है, फिर हमें फाइट पे फाइट देखने को मिलने वाली है। तो कोर ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है, जो बंदा यहाँ पे उन्होंने नॉक किया था एंटी 24 के, बाकी दो बंदे अब निकल चुके हैं सेफली फुल ऑन हेल्थ, कोई शॉट्स डैमेज नहीं हुआ उनको। गाइस जो भी रहने स्ट्रीम पे प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड भाई देखते हैं कब होने वाले हैं मेरे 1K सब्सक्राइबर्स। ओके तो यहाँ पे दो ड्रॉप्स काफ़ी पास आए एक दूसरे के एंड एयर ड्रॉप नंबर 2 पे हमारी ग्रोज़ा विद 60 एमओ ऑफ 7.62 एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग एंड ऑसम वीडियो रियली लाइक डिट वन ऑफ फ्रेंड्स फोट पे। ओके तो यहाँ पे अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं, लेवल 3 गियर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, तो लेट्स सी कौन लेने आने वाले। ये डेडली ग्रोज़ा गन हमारी शॉर्ट रेंज में बहुत ही अच्छी है ये एंड इजीली 3 से 4 बंदे नॉक कर सकती है एंड 4 बंदे फिनिश ऑफ भी कर सकती है इफ़ यूज प्रॉपरली। तो यहाँ पे टीम नंबर 16 ने ले ली है बग्गी छोड़ के गाड़ी, तो भाई जब एक जाती है तो दूसरी ज़रूर आती है एंड यहाँ पे टीम नंबर 8 के पास जाएंगे हम। और टीम नंबर 8 भाई अलग ही स्वैग में है, एक शैक में 3 के 3 बंदे, तो कोई इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि एक शैक में 3 बंदे निकलेंगे। तो अगर इन पर कोई भी पुश करते हैं उसके साथ पूरा स्कैम होगा एंड यहाँ पे लबॉस की 69 फुल ऑन डांस कर रहे हैं, पूरे मस्ती के मूड में है। नहीं तो भाई आई थिंक ये चिड़िया उड़ या कुछ खेल रहा है मेरे को लग रहा है भाई। चलो भाई बहुत मस्ती हो गई, अब हम जाएंगे किसी रियल फाइट पे। यहाँ पे टीम नंबर 9 के ऊपर शॉट दे रही है हमारी टीम नंबर 13 विद दिस टीम बूम बूम, तो ये भी काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। लेट्स सी इनको चिकन डिनर कब मिलने वाला है इनका एंड कब ये जीत के जाने वाले हैं प्राइज मनी। अर्थ पटेल टीम 18 बेस्ट प्लेयर भास्कर पटेल सैड फेसेस दिखा रहे हैं इन पे।
तो हमारा नेक्स्ट जोन भी किक इन हो चुका है एंड ऑलरेडी 16 मिनट्स हो चुके हैं गेम को। वी हैव 81 प्लेयर्स लेफ्ट विद 23 टीम स्टिल रिमेनिंग एंड यहाँ पे टीम 14 आ जाती है हमारी, अभी रिज होल्ड कर रही है ऊपर में एंड आई थिंक इनको कंपाउंड में जाना चाहिए इस टाइम पे। ओके सो आगे है टीम नंबर 10 इनके सामने, लेट्स सी अगर ये नॉक एंड पुश वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले। आई थिंक इट्स अ बेस्ट स्ट्रैटेजी टू रश इन अ स्क्वाड। अगर आप नॉक कर देते तो दूसरी टीम ऑलरेडी एक बंदा डाउन होती है एंड थोड़ा सा पैनिक जरूर करती है अगर कोई टीम रश कर रही है, बट अगर यहाँ पे टीम नंबर 10 देखते क्या रश रोक पाएगी इफ टीम 14 रशेज एट द फर्स्ट प्लेस। शिनोबी वाईटी भाई कल भी होगा टूर्नामेंट, होगी टूर्नामेंट, यस ब्रो हर रोज होती है यहाँ पे नाइट ऑल टूर्नामेंट मंडे टू संडे एंड एवरी डे मैचेस होते हैं, तीन मैचेस होते हैं हर दिन। तो फर्स्ट मैच होता है हमारा स्क्वाड का 8 PM पे, सेकंड मैच होता है हमारा 9:15 पे एक और सेकंड मैच स्क्वाड का एंड फर्स्ट मैच हमारा होता है 4600 पूल प्राइस का, सेकंड मैच हमारा होता है 5100 पूल प्राइस का एंड हमारा थर्ड मैच इज डुओ जिसमें टॉप 10 अलाइव प्लेयर्स को मिलता है 800 रुपीस कैश। तो यहाँ पे टीम नंबर 14 डिसाइड्स वो नहीं फाइट लेना चाहेंगे इस टाइम पे एंड जाते हैं सेफली। अभी गुप्ता लाफिंग इमोजीज तो यहाँ पे हंस रहे हैं, अभी गुप्ता किस बात पे हंस रहे हैं, अभी गुप्ता जरा हमें भी बताइए हमने कोई अच्छा जैसा जोक क्रैक कर दिया क्या। भाई आपका कौन सा डिवाइस है भाई, ये स्पेक्टेट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ मेरा आईपैड और कॉम्पिटिटिव पर्पसेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ मेरा 1+6। तो भाई एक पूरी अमीरी है और एक पूरी गरीबी है फ़ोन में। दिस इज़ आईपैड प्रो जिसमें मैं स्ट्रीम करता हूँ भाई एंड टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए आई यूजली यूज़ अ फ़ोन, बट जिसमें आईपैड लॉट होते हैं मैं सिर्फ उसी में आईपैड यूज़ करता हूँ। भाई आपका कौन सा डिवाइस है भाई, 2 मिनट का डिले है मेरे ब्रो, आपको सब सुनेगा 2 मिनट के बाद। और हमारा ये जोन बन चुका है फार्म एंड मिल्टा साइड पे एंड अब भी 20 सर्दन रीजन का हल्का सा है अंदर एंड यहाँ पे टीम नंबर 1 अभी भी इसी साइड पे, टीम नंबर 6 एंड रूट खुश बहुत देर से सरवाइव कर रहे हैं अपनी स्क्वाड के लिए एंड अभी भी गाइस हमारे पास 23 टीम्स रहती हैं, 81 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव। जैसे ही ये जोन क्लोज होने वाला है भाई दिस विल बी अ डिजास्टर एंड यहाँ पे फाइट पे फाइट होने वाली है। जोन क्लोज होती आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट 30 बंदे रह जाएंगे और यहाँ पे 50 बंदे सेकेंड्स में एलिमिनेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइट्स हो चुकी हैं स्टार्ट, यहाँ पे टीम ने हमारी ले रही रोटेशन, यहाँ पे टीम नंबर 9 के 2 बंदे नॉक हो चुके हैं ऑलरेडी एंड यहाँ पे टीम 13 बूम बूम दे रही है हमारी स्प्रेज एंड टीम 11 साइड पे हमारी देख रही है फाइट को एंड ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे टीम नंबर 10 भी आ जाती है हमारी, भाई कल भी कोई मैच है लोन जुनेद, हाय भाई कैसे हो पहले तो आप ये बताओ। और लोन जुनेद यस भाई हर रोज़ होते हैं हमारे मैचेस, प्लीज़ गो एंड चेक आउट नाइट ऑल टूर्नामेंट्स का इंस्टाग्राम पेज, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे मंडे टू संडे हर रोज़ के हर रोज़ 3 मैच होते हैं, 2 होते हैं हमारे स्क्वाड मैचेस और 1 होता है हमारा डुओ मैचेस। टीम 8 लो भाई, टीम 8 और भाई देखो जिसको भी स्पेक्टेट करता भाई यहाँ तो मरा होता है, यहाँ पे मरने वाला होता है, यहाँ पे फिनिश्ड ऑफ हो जाता है एंड यहाँ पे हमारा जोन भाई जैसे ही स्टार्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हमारी फाइट्स। तो यहाँ पे हमारी टीम नंबर 23 एंड टीम नंबर 8 के आखिरी बंदे हैं, लेट्स सी क्या कर पाएंगे एंड यहाँ पे क्राउच होके फायर देने का ट्राई कर रहे थे बट टीम नंबर 23 ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। तो हमारा जोन हो चुका है स्टार्ट गाइस एंड वी आर 20 मिनट्स इनटू द गेम और ये वाला जोन होने वाला है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जस्ट लुक एट द नंबर गाइस, अभी 77 पीपल अलाइव एंड 22 टीम्स हैं, जस्ट रुक जाओ ये जोन को ख़त्म होने दो एंड आप देखने वाले हो भाई क्या कहर मचने वाला है इसमें।
यहाँ पे हमारी टीम नंबर 5 टीम नंबर 4 से टीम नंबर 4 के बंदे रिच को यूज करके बहुत ही स्वीटली फ्लैंक कर रहे हैं लेफ्ट से। एंड आई थिंक अभी ओके अभी एंड भाऊ दो रहते हैं, अभी इधर है भाऊ, आई थिंक पीछे से कवर दे पाए वो, बट यहाँ पे अभी नॉकआउट हो जाते हैं। एंड भाऊ आई थिंक बेस्ट डिसीजन उनके लिए होगा यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि 4v1 कोई फाइट लेने का सेंस नहीं बनता है। इवन यू इफ़ यू आर गुड 4v1 चांस में कि आप मर जाओ, एंड यहाँ पे भाऊ भी मर जाते हैं तो एक स्क्वाड हमारा इलिमिनेट होता हुआ। यहाँ पे हमारा जोन बन चुका है फार्म पे, एंड भाई ये वाला जोन होने वाला डेडली। एवरी टाइम द फोर्थ जोन इज द मोस्ट डिजास्ट्रस, एंड यहाँ पे फाइट्स ऑलरेडी हो चुके हैं शुरू, सबको जोन में आना है। एंड यहाँ पे एक स्क्वाड गाड़ी से उड़ा दी है K2S डेथ स्टॉकर ने, एंड यहाँ पे सिर्फ हमारे रह जाती है 21 टीम्स एंड 71 पीपल रिमेनिंग। एंड यहाँ पे पुर वो पी कैम्प कर रहे हैं एक कंपाउंड में, लेट्स से अगर स्पॉट हो जाते हैं टीम नंबर 11 के द्वारा। आई थिंक टीम नंबर 11 ने अभी तक स्पॉट नहीं किया है। ओके तो यहाँ पे नेड आ रहे हैं, यहाँ पे कोक नेड आया, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह फिनिश ऑफ कर दिया इन्होंने। एंड यहाँ पे एक और हमारी स्क्वाड एलिमिनेट होती है, यहाँ पे 69 बंदे रहते हैं, 20 पीपल आर स्टिल रिमेनिंग। भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? सब बढ़िया भाई, जिंदगी बस कट रही है। यहाँ पे हीरो एक तुरप ने डाला है एक प्यारा सा नेड, लेट्स सी। और यहाँ पे टीम नंबर 17 को स्पॉट कर दिया, आई थिंक अभी फायर नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी टीम ने फायर कर दिया स्टार्ट, एंड यहाँ पे M16 चला रहे सिंगल टैप पे, एंड बोडू को डाल रहे हैं शॉट पे सिंगल टैप पे, एंड काफ़ी मुश्किलों में दे रहे हैं यहाँ पे टीम नंबर 1 टीम नंबर 17 को। यहाँ पे टीम नंबर 17 को वाइप आउट कर देती है हमारी टीम नंबर 1, बट इनको कॉन्स्टेंटली शॉट्स पर है टीम नंबर 14 से, एंड इनके पास से एक और गाड़ी रोटेशन ले रही है। टीम नंबर 14 है, टीम नंबर 9 है, पास में टीम नंबर 10 भी है, टीम नंबर 20 भी है, टीम नंबर 16 भी है। इतने छोटे से दौर में सारी टीम्स क्लस्टर हुई है मिल्टा के कंपाउंड्स के आसपास, फार्म के सारे कंपाउंड्स इस टाइम लिए हुए हैं। अभी ये कंपाउंड्स काफ़ी सारे हैं तो अभी तक प्लेयर जिंदा है, बट अगर ये हल्का सा भी ओपन जोन रहता तो भाई अभी तक बहुत ज़्यादा गंदी फाइट देखने को मिलनी थी। एयर ड्रॉप नंबर 5 AWM विद 0.300 मैग्नम, लेवल 3 गियर्स एंड फर्स्ट एड किट। तो देखते हैं इस ड्रॉप को कौन ले वाला है, टीम नंबर 9 या फिर टीम नंबर 13 में से कोई इस ड्रॉप को रिस्क लेके लेने जाने वाला है कि नहीं। यहाँ पे तेज देते हैं WE अनरियल को नॉकआउट। ओके सो यहाँ पे टीम नंबर 3 निकल रही थी, टीम नंबर 19 में कॉन्स्टेंटली शॉट्स दे रही है, बट यहाँ पे उनको नहीं गिरा पाए। टीम नंबर 9 दिया, तो यहाँ पे टीम नंबर 9 सबसे शॉट्स खा रही है, एंड लेट्स सी अगर सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पे टीम नंबर 4 रोटेशन ले रही है, उनके दो बंदे नॉक हो जाते हैं, यहाँ रुकते हैं टीम नंबर 9 के द्वारा, इसको नीचे आते हैं मार देते हैं एंड नॉक आउट कर देते हैं। दो प्लेयर नंबर देते हैं, लास्ट प्लेयर रहते हैं यहाँ पे सिद्धार्थ एंड ही गो टू फिनिश ऑफ। तो यहाँ पे भाई बहुत ही ईजी स्क्वाड वाइप कर दी टीम 9 ने, तो उनको अब लूट भी मिल जाएगी, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर टीम नंबर 9 अंटिल एंड अनलेस कोई और स्क्वाड उन पर पोशन कर जाती है। अभी तो यहाँ पे अभी लॉन्ग रेंज फाइट चल रही है, अभी किसी ने भी और गाड़ी स्लैम नहीं किया। यहाँ पे काफी सारे कंपाउंड जैसे कि मैं कह रहा था, एंड हमारा नेक्स्ट जोन होने वाला है स्टार्ट विद इन 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, और यहाँ पे 25 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी गेम को, और अभी भी हमारे पास 49 बंदे जिंदा और 15 टीम्स अभी भी जिंदा हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है हमारी टीम नंबर 11 के पास, एंड बस अब इनको जोन में मूव इन करना है। और यहाँ पे 50% ऑफ द टीम्स ऑलरेडी जोन में, एंड बाकी 50% को भी जोन में जाना है। एंड यहाँ पे टीम नंबर 20 के पास से शॉट्स पड़ रहे हैं,
और यहाँ पे टीम नंबर 20 ने फिनिश ऑफ कर दिया एक डुओ जो उनके सामने था। एंडिंग में यहाँ पे टीम नंबर 14 के ऊपर शॉट फायर, दो बंदे ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, इनका पुश हो चुका है। टीम नंबर 14 का स्कोर 11 की पुश कर चुके हैं ऑलरेडी टीम नंबर 14 के ऊपर, एंड एक बंदा ही रह गया सिर्फ। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी डिफिकल्ट फॉर हिम। एंड यहाँ पे फिनिश ऑफ हो गई है हमारी एक और टीम CNR। यहाँ पे कोर बहुत ही अच्छा क्रिएट 10 किल ऑलरेडी ले चुकी है, एंड इनको लूट भी मिल जाएगी अब एक और, तो एमो की कमी नहीं होने वाली। एंड अभी कोई स्कॉट पुश नहीं किया तो इनके पास काफ़ी टाइम है लूट करने का, हील अप करने का एंड बूस्ट लगाने का। एंड यहाँ पे क्रीटो ने आई थिंक एक और स्कॉट डेड कर दी है। अकॉर्डिंग टू मी इस फोर्थ फिफ्थ एंड थर्ड जोन में आपको अर्ली रोटेशन देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट रोटेट करते हो और जो बंदे पहले ही कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं वो आपको फायर करेंगे एंड आपको गाड़ी से ही उतार देंगे, एंड उसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड आई थिंक अर्ली रोटेशन इज़ द बेस्ट, आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, अर्ली रोटेशन में भी आपका फाइट हो सकता है, बट यू नीड टू बी अ बिट कॉन्फिडेंट विद योर टीम एंड ग्रैब दैट चिकन डिनर। यहाँ पे टीम नंबर 20 के स्लैमिंग कर रही है, यहाँ पे टीम नंबर 13 के अंदर भाई टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती है क्या? लोन जुनेद हम मुस्लिम हैं और हमारी नमाज होती है इस टाइम। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट जुनेद भाई, आई थिंक फ्यूचर में हम ज़रूर टाइम चेंज करेंगे और भी मैचेस लेके आएंगे, बट एज ऑफ नाउ भी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। ऑलरेडी 3 मैचेस होते हैं, 3 मैचेस के लिए आप समझिए कितनी सारी रजिस्ट्रेशन आती है, सारी रजिस्ट्रेशन हैंडल करनी होती है एंड फिर उनको स्पॉट्स देने होते हैं एंड पेमेंट्स देखने के, तो काफ़ी कुछ होते हैं यहाँ पे। एंड 3 मैचेस में ही अभी जितना सेट किया है उसमें दिमाग खराब होता है, तो आई एम प्रीटी श्योर 4 मैचेस में और भी होगा, बट वी विल थिंक अबाउट इट श्योरली। आई लेट द मैनेजमेंट ऑन, मैनेजमेंट ये मैच भी देख रही होगी तो वो ज़रूर पढ़ेंगे एंड वील ट्राई कि हम कुछ नया स्टार्ट करें, बट अब फॉर द टाइमिंग आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अनटिल वी डू समथिंग। हम आपका पॉइंट जरूर समझते और कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे बूम बूम जिंग नॉकआउट हो जाते हैं, अपना कवर बनाते बनाते हैं एंड बूम बूम झू यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेड होल्ड कर रहे हैं एंड अभी प्रैक्टिस करी यहाँ पे टीम नंबर 13 ने, तो काफ़ी नॉलेज है इनको कौन सा इनको रिज होल्ड करना है इस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा रिज पे गए यहाँ पे बूम बूम जू एंड बूम बूम जिंग को। आई थिंक इजीली रिवाइव मिल जाएगा उन्हें स्मोकिंग करके, उनको पता है टीम 19 कहाँ से शॉट्स फायर कर रही थी एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने स्मोक किया। एंड यहाँ पे 3 गाड़ी है तो इनके पास कवर बनाने का काफ़ी अच्छा मौका है। एंड यहाँ पे बूम बूम जू एंड बूम बूम खाओ दे रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन और बहुत ही अच्छा कवर बना रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 11 रोटेट कर रही है, टीम नंबर 11 के एक बंदे को उतार दिए टीम गाड़ी बहुत ज़्यादा है एंड ब्लास्ट होने को कुछ ही सेकेंड है। एंड यहाँ पे हमारी टीम नंबर 1 भी एलिमिनेट हो जाती है, हमें टीम सिर्फ 22 रह जाते हैं बंदे लाइव एंड 6 टीम्स ही रिमेनिंग है और जोन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक सारी टीम जोन में पहुँच चुकी हैं और यहाँ पे नेट डाल रहे हैं टीम नंबर 9 3 टीम्स के बीच में है। यहाँ पे 6 टीम रहती हैं, टीम नंबर 12 हमारी एक और एलिमिनेट हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ 5 टीम रहती है। टीम डी एक्स बूम बूम ऑक्सी, टीम नंबर 9 विच इज टीम TS एंड टीम 10 विच इज कोर। यहाँ पे कोर के अभी 4 के 4 बंदे जिंदा है कंपेयर टू प्रीवियस मैच जहाँ पे इन्होंने एक बंदा पहले ही खो दिया था, एंड यहाँ पे 4 इनके पास बंदे जिंदा है, तो ऑब्वियसली मैन एडवांटेज जरूर रहने वाला है इनको। तो हमारी एक और स्क्वाड एलिमिनेट हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ 4 टीम्स बचती है एंड 15 पीपल आर स्टिल अलाइव, तो इट्स 4v4v4v3। ओके प्रस्पेक्टिव से देखे तो लेट के स्प्रे दे रहे हैं, इनके ऊपर आया है नेड और ये बहुत ही प्यारा नेड था काइनेटिक WNL का। एंड यहाँ पे इन्होंने नॉकआउट किया है बूम बूम खाओ को, तो यहाँ पे जू उनको आई थिंक रिवाइव दे देंगे। अभी भी टीम नंबर 9 ने अपने लिए स्मोक इन करके जोन में थोड़ी सी जगह बना रही है, टीम नंबर 10 को भी मूव इन कर रहा है। अभी कोई भी स्क्वाड जोन में नहीं है, जोन बिल्कुल बने, सारी स्क्वाड्स के सेंटर में एंड सबको अभी मूव इन करना है स्मोक इन करके, तो लेट्स सी कैसे स्ट्रेटजीज बनने वाली है। एंड एक और नेट से 2 बंदे नॉकआउट कर दिए WNL ने,
तो यहाँ पे गाड़ियों का कवर हमें देखने को मिलेगा, जो ये स्ट्रैटेजी यूज करे टीम मर्टन एंड रगनार आई थिंक अपनी गाड़ी लेके आने वाले कवर बनाने के लिए। यहाँ पे एक दो गाड़ी ऑलरेडी ब्लास्टेड है, तो यहाँ पे टीम नंबर 10 को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा कि ऑलरेडी ब्लास्टेड गाड़ियों से। यहाँ पे को रगनार ला रहे थे अपनी गाड़ी एंड वो नॉकआउट हो चुके आलू टिक्की के द्वारा। एंड यहाँ पे ऑक्सी तबाही भी एंड टीम इनके एलिमिनेट हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ बचती है तीन टीम गाइस। यहाँ पे टीएस आलू दम कर रहे हैं, नेट को कैन डाल रहे हैं टीम नंबर 10 के कोर की तरफ, एंड लेट्स सी अगर ये नॉक दे पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने ही बंदे को भाई कर दिया है नॉक, तो यहाँ पे काफ़ी दुख लगा होगा इनको अपने ही बंदे को लास्ट जोन्स में नॉक करते हुए। एंड अगर प्राइज मनी से ऊपर नीचे हो जाते हैं तो पक्का गालियाँ पटने वाली हैं जिसने भी ये नेट डाला है। बट एनीवेज लेट्स सी, अभी भी चार बंदे जिंदा है कोर के, तो ये कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे। लेट्स सी करीटो क्या करने वाले हैं। यहाँ पे करीटो ऑलरेडी ले चुके हैं तीन किल्स अपने चला रहे हैं, यहाँ पे बैरल बहुत ही ज़्यादा डेडली गन है ये, एंड काफ़ी अच्छी गन है। बस इसका रिकॉयल एक टास्क है जो आपको कंट्रोल करना है, अगर एंड इफ यू कैन मास्टर इट तो काफ़ी अच्छी गन है। एंड TNTN को खड़ के इन्होंने नॉक दिया, एंड यहाँ पे को रैगनर इनको स्पॉट करके वापस नॉक दे दिया किरीटो को। एंड यहाँ पे को TNTN पे मॉली भी आ चुकी है, तो यहाँ पे मॉली भी कनेक्ट हो चुकी है इनके ऊपर। ओके, सो मॉली इज ऑफ नाउ एंड रिवाइव मिल जाएगा वापस कोर के बंदों को। तो यहाँ पे हमारे पे सिर्फ तीन टीम्स रहती है, बूम बूम कोर एंड TS। तो लेट्स सी कौन लेके जाने वाला है ये चिकन डिनर। लोन जुनेद, थैंक यू सर, नो वरीज लोन जुनेद भाई। एंड यहाँ पे हमारी कॉटिंग खत्म हो जाती है, 4v4 बिटवीन बूम बूम एंड कोर का स्क्वाड। एंड यहाँ पे कोर का एक बंदा फिनिश ऑफ हो चुके, तो इट्स 4v3 राइट नाउ। एंड यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कौन सी टीम जोन में कौन सी नहीं है जोन में, बहुत छोटा सा जोन रह चुका है। एंड 33 मिनट्स हो चुके गाइस, 33 मिनट्स हो चुके हैं गेम को, एंड आई थिंक अब लास्ट जोन ही बचा है जो बिल्कुल छोटा सा होने वाला है। लेट्स सी हमें अगर आज एक हील बैटल देखने को मिलेगा एंड कैसी स्ट्रैटेजी रहने वाली। दो बंदे हील करने वाले, एक बंदा पुशिंग करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे पहले ही उससे पहले नॉक हो चुका है, तो आई थिंक उससे पहले भी गेम फिनिश हो सकती है। और यहाँ पे कोर रैगनर भी नॉकआउट हो जाते हैं, तो कोर 11T रह जाते हैं। एंड यहाँ पे 6S चला के स्प्रे दे रहे हैं एंड स्पॉट कर लिए उन्होंने कोर बूम के बंदे को। एंड यहाँ पे एक नॉक ऑलमोस्ट दे दिया था उन्होंने, बट ही कुडन टेक ऑन 1v4। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा चिकन डिनर निकाला है यहाँ पे बूम बूम ने, चाहे किल्स बहुत ज़्यादा नहीं निकाली बट इन्होंने चिकन डिनर बहुत ही ज़्यादा प्यारा निकाला। एंड तक होल्ड किया, पेशेंस से खेले बिल्कुल, एंड एंड तक इनके चार बंदे जिंदा थे, तो बहुत ही अच्छा चिकन डिनर लिया हमें हमारी टीम बूम ने। जो भी गाइस नया आता स्ट्रीम पे प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक भी करो यार। एंड यहाँ पे आई हमारी टीम नंबर 1 चिकन लेके गई है बूम बूम, सेकंड इज टीम कोर, थर्ड इज टीम काइनेटिक TS, फोर्थ इज हमारी LH थॉर तबाही एंड उनके बाकी क्लैन मेट्स, एंड फिफ्थ आई है हमारी DTR, एंड सिक्स्थ आई है हमारी योद्धा, सेवन्थ आई है SQ9। बाकी मैं कर दूंगा स्क्रोल गाइस, आप देख सकते हो।